देखिए यहाँ पर आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है कुड, CULD। देखो कुड का यूज कहाँ करना है, ध्यान से देखना। कुड का यूज करना है सका, सकी, है ना, सके के सेंस में, सका सकी सके के सेंस में। और दूसरा यूज करना है कुड का यूज पाया, पाई, पाए के सेंस में, पाया, पाई, पाए के सेंस में करना है। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे कुड, इसको कुल्ड नहीं बोला जाएगा, एम साइलेंट हाँ एल साइलेंट होता है, ध्यान देना, है ना, कुड बोला जाएगा। और कुड और नॉट, एक साथ ठीक, अगर अगर नॉट इसको एक साथ में बोला जाए, जैसे आप बोलते हो ना डू और नॉट को एक साथ, डोंट बोलते हो, अगर इसको कुड और नॉट को एक साथ बोला जाए तो इसको बोला जाता है कुडंट, इसको बोला जाता है कुडंट। क्या बोलते हैं? कुडंट। क्या बोलते हैं? कुडंट बोलते हैं। क्लियर है? बस ये चीज़। जैसे मैं कहूँ मैं नहीं सो सका, मैं नहीं सो सका, मैं नहीं सो सका। और एक चीज़ और यहीं समझ लो, देखो मैं, ये तो पता ही होगा क्योंकि सबको पता रहता है कि मैक इंग्लिश होती है आई, मैक की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है ना। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, ठीक। और आपकी भी इंग्लिश क्या होती है? यू ही होती है। क्लियर है? और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, है ना। और वह की इंग्लिश होती है ही, अगर मेल है तो ही, ठीक, फीमेल है तो सी अगर फीमेल है तो सी सी, ठीक है। यस और वो, देखो वो की इंग्लिश या तो ही होगी या तो सी होगी, ध्यान दो, ठीक। वो की इंग्लिश अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो क्या होगी? सी सी होगी, ठीक। और देखो हम की इंग्लिश क्या होगी? बी। अगर हमको बोलेंगे तो क्या बोलना? बी बी, ठीक, हमको क्या बोलेंगे? बी। तो बस इतना याद रखो। देखो पहला आपने देखा आई को यूज किसके सेंस में नॉर्मली? मैं के सेंस में। और तुम और आपको किसके सेंस में? यू के सेंस में, है ना। और वे, ये दे के सेंस में। और वह और वो, अगर मेल है तो वह या वो की इंग्लिश ही, फीमेल है तो सी, ठीक है। ये हम की चार हो गए, इंग्लिश ठीक। और हम की इंग्लिश क्या होगी? बी होगी। हम की इंग्लिश क्या होगी? बी होगी, ठीक। बस इतना करना। जैसे अभी ध्यान दो, मैंने कहा मैं नहीं सो सका, तो बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में। यानी कि यहाँ मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई आई हो गई, ठीक। अब देखो सो सका सका, यानी कि सका के लिए किसका यूज करना है? कुड। तो आई कुड नॉट, नॉट आई कुड नॉट, स्लीप और यहाँ सोना की इंग्लिश स्लीप स्लीप, आई कुड नॉट स्लीप स्लीप हो गया। अगर आप और इसको जैसे शॉर्ट में बोलना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? आई कुडंट स्लीप। आप क्या बोल सकते हो? आई आई कुडंट कुडंट स्लीप स्लीप, मतलब मैं नहीं सो सका। समझ पाए इतना कि यस नहीं? सर इतना क्लियर है? यस सर अच्छा अब यहाँ पर देखो, जैसे ये एक सेंटेंस है, अब इसको आप कैसे बोल सकते हो? मैं नहीं सो सका, तुम भी नहीं सो सके। मान लो मैं कहूँ तुम नहीं सो सके, तुम नहीं सो सके, तो अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। यू अब वही करना है। देखो यस सर जब मैं की बात हो रही है तब मैंने आई लिखा, अब जब तुम की बात हो रही है तब आप क्या कर देना? यू, है ना, यू। और चाहे कुड नॉट बोलो चाहे कुडंट बोलो, क्लियर है। तो यू कुड नॉट स्लीप, या आप कुडंट बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं। यू कुड नॉट स्लीप, तुम नहीं सो सके। और कौन नहीं सो सके? वे नहीं सो सके, वे नहीं सो सके, वे नहीं सो सके। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है ना। तो यहाँ हो गया दे, और सके के लिए क्या हो गया? कुड हो गया, दे कुड नॉट, और सोना की इंग्लिश स्लीप है। और कौन नहीं सो सका? हम नहीं सो सके, ये सब नहीं सो सके, क्लियर है। हम नहीं सो सके, ऐसे आपको बनाना है। तो अब बताओ हम की इंग्लिश क्या होगी?
बी होगी ना, तो बी हो गया, और सके के लिए क्या हो गया, कुड, तो बी कुड नॉट, बी कुड नॉट, और यहाँ स्लीप, हम नहीं सो सके, बी कुड नॉट स्लीप, समझ में आया। अच्छा और कौन नहीं सो सके, वह नहीं सो सकी, वो भी नहीं सो सके, है ना, वह नहीं या वो नहीं, चाहे आप बोलो वह नहीं सो सकी और चाहे आप बोलो वो नहीं सो सकी, वह नहीं या इसको आप ये भी बोल सकते हो, वो नहीं सो सकी। अब बताओ मेल की बात हो रही है फीमेल की, फीमेल की, तो फीमेल के लिए वह की इंग्लिश क्या होगी, सी, सी, और यहाँ क्या कर दो, कुड नॉट, सी कुड नॉट स्लीप, सी कुड नॉट स्लीप, और कौन नहीं सो सका, वह नहीं सो सका, वह नहीं सो सका, कोई नहीं सो सका, भैया कौन सोया पता नहीं, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, वह नहीं सो सका, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ वह मेल की बात हो रही है फीमेल की, आप करो मेल की बात हो रही, तो मेल के लिए वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, चाहे आप ये बोलो वह नहीं सो सका या वो नहीं सो सका, ही, और यहाँ पर कुड नॉट स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप, समझ पाए इतना, समझ में आया। तो अभी जैसे देखो एक एक ही सेंटेंस है, एक से कितना बना, एक दो तीन चार पाँच और छः, क्लियर है ना, सब पर तो बन ही गया है आई बी यू, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा चाहे आप इसको ऐसे बोलो मैं नहीं सो सका, इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो मैं नहीं सो पाया, अरे भाई चाहे आप ऐसे बोलो मैं नहीं सो सका, और चाहे आप ऐसे बोलो मैं नहीं सो पाया, कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि अभी इसलिए मैंने बता भी दिया, सका सकी सके हो या पाया पाई पाए हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कुड, तो अगर मैं बोल दूँ मैं नहीं सो पाया तो आई कुड नॉट स्लीप, सेम वही है, तुम नहीं सो पाए, यू कुड नॉट स्लीप, वे नहीं सो पाए, दे कुड नॉट स्लीप, है ना, तो चाहे आप सका सकी सके से बनाओ और चाहे आप पाया पाई पाए से बनाओ, क्लियर है, इतना समझ में आया। बाकी और डीपली जाएंगे, बताएंगे पूरा फुल यूज में, तो वहाँ पर आता है कि कुड का यूज सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए भी यूज करना है, लेकिन अभी आप नॉर्मली देखो जब सका सकी सके पाया पाई पाए हो तब किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है, क्लियर है ना। तो देखो ये आपका एक पर कितना बना, छः, तो ज़्यादा नहीं आपको बनाना है, ठीक है, बस केवल 10 सेंटेंस बनाना है, ठीक है, 10 सेंटेंस बनाना है, समझ पाए ना, 10 सेंटेंस, भाई अब 1 पर 6 बनेगा, हाँ तो अरे यहाँ 10 सेंटेंस है, ठीक है वो 60 है, बाई 1 गेट 6 है, एक खरीदो 6 मिलेगा, ठीक है तो खरीदो, अभी इतना क्लियर है ना, समझ में आया, ओके, थैंक यू।